तो सरकार उस समय कहती थी कि सही माने में वो AK-47 रखे थे। हम लोग तो उसी दिन कह रहे थे कि ये गलत ढंग से उनको फंसाने का काम किया गया है। सरकार अपराधी पैदा करते हैं और सरकार अपराधी अगर पैदा नहीं करते तो आज इतना अपराध नहीं बन होता। किसी पार्टी ने घोषणा नहीं किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। जेल में है बाप, वहां से पैसा लाएगा क्या? आपको याद होगा बयान दिया करते थे, लोगों मिला कि नहीं रोजगार मिला। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध सर्वत्र हो रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा बिलिंग हो रहा है। दक्षिणी भारत के ये कंपनी है और उससे बड़ी डील हुई है, इन लोगों की सरकार की डील हुई है। आप, मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी स्मार्ट मीटर है और अब का मीटर में, दोनों में अंतर है। और हमको लगता है कि जो घोषणाएं कर रहे हैं वो सर जमीन पर उतरेगी अगर सरकार हमारी बनी। आप 19 साल से थे, 19 साल में आपने कितना लोगों को नौकरी दिया? जब तेजस्वी यादव ने शुरुआत किया तो आप पीछे पीछे चलने का काम किया। सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी यादव ने किया था और उसी को देखा देखी लोग करना चाह रहे। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, कह सकते हैं जनता को रुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पक्ष की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं तेजस्वी यादव की योजनाओं को लेकर। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे RJD विधायक भाई वीरेंद्र जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपको भी बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, जनता को रुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 महीना में जो वो उप मुख्यमंत्री के पद पर थे और जो जनता के बीच में जाकर घोषणा किए थे कि हम लोगों को 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे जी। और उन्होंने इस दिशा में मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और किया भी, तो लोगों को आशा है और हमको लगता है कि जो घोषणाएं कर रही हैं वो सर जमीन पर उतरेगी अगर सरकार हमारी बनी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से जो घोषणा है, हम लोग बड़का झूठा पार्टी वाला आदमी नहीं है, हम लोग RJD वाले लोग हैं, सर जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। BJP बड़का झूठा पार्टी है, वो तो घोषणा करती है और घोषणे को जुमला बताती है, हम लोग जुमला नहीं बताएंगे। जो घोषणा है उसको हम सरजमीन पे उतारेंगे, जनता तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जो 17 महीनों की रोजगार की बात कर रहे हैं आप, जो तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि दिए हैं, उस पर अभी तक माथापेटी चल रही है। कह रहे हैं नीतीश कुमार ने दिया, आप लोग कह रहे तेजस्वी यादव ने दिया। देखिए, सरकार में चाहे जो रहे लेकिन तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था और किसी पार्टी ने घोषणा नहीं किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। हमने घोषणा किया था और उस पर अमल करने का प्रयास किया और बहुत लोगों को नौकरी दिया भी, लेकिन जैसे ही नौकरी देना शुरू किया लोगों को लगा कि इसको बहुत बड़ा ये राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, इसलिए अपराध दफरी में पूरा क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को नहीं जाना चाहिए। नहीं, पूरा का पूरा तेजस्वी यादव को ही क्रेडिट जाता है। अच्छा, निश्चित रूप से। और जो लोग बोलते हैं तो पहले क्यों नहीं किए? आप 19 साल से थे, 19 साल में आपने कितना लोगों को नौकरी दिया? जब तेजस्वी यादव ने शुरुआत किया तो आप पीछे पीछे चलने का काम किया। आप आज देख लीजिए, अब सृजन किया जा रहा है सरकारी नौकरी देने का, पहले क्यों नहीं सृजन किया गया? पहले भी तो रिक्तियां थी। तो हमको लगता है कि जब कोई आदमी काम करता है तो उसका पीछे पीछे चलने की आदत हो जाती है। सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी यादव ने किया था और उसी को देखा देखी लोग करना चाह रहा। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री की बातें कही है, अब इसको लेकर जदयू की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है कि पैसे कहां से लाने वाले हैं तेजस्वी यादव? ऐसा है कि जब वो घोषणा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी जी, तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देंगे। उस समय भी कई तरह की बातें होती थी कि अपने बाप के जेल में है बाप, वहां से पैसा लाएगा क्या? आपको याद होगा बयान दिया करते थे, लोगों को मिला कि नहीं रोजगार मिला। तो उसी तरह आज जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बयान देते हैं और कार्यान्वित नहीं होते हैं। ये बड़े कंपनियों से डील होकर अपना अपना काम कर रहे हैं,
ये प्रीपेड ये जो इसमें स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध सर्वत्र हो रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बिलिंग हो रहा है और उससे जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आवाम परेशान है। और सरकार चूंकि बड़े कंपनियों से डील कर ली है, हंस कौन हंस नाम था वो आईएएस थे जो उसके चेयरमैन जिन्हें संजीव हंस उसके चेयरमैन थे, और ये दक्षिणी भारत के ये कंपनी है और उससे बड़ी डील हुई है, इन लोगों की सरकार की डील हुई है, और इसलिए चाहता है लोग वही हम स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों का शोषण दोहन करें। आप मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी स्मार्ट मीटर है और अब का मीटर में दोनों में अंतर है, और अंतर नहीं है तो आप साबित करो। मतलब तेजस्वी यादव ने पूरी प्लानिंग के साथ ये बात घोषणा की है, पूरी प्लानिंग के साथ और पार्टी तैयारी की हुई है तेजस्वी यादव, पूरी तैयारी की हुई है। अगर पूरी तैयारी नहीं करके होते तो 10 लाख को बेरोजगारों को रोजगार देने की जहां तक बात है, उन्होंने रोजगार कैसे दिया? आखिर 19 साल तक मुख्यमंत्री रहे माननीय नीतीश कुमार जी, रोजगार क्यों नहीं दिया? उनके कुछ लोग हैं जो तरह तरह का चेहरा बनाकर, मुंह बनाकर, कभी रात में लेते हैं, गुटखा खाते हैं, उसका मुंह भी देखिए कैसा लगता है, क्या क्या मुंह चियार कर बोलता है लोग। और बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, और केवल बदनाम करने से बदनामी नहीं होती है, जनता पब्लिक है, सब जानती है। नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात हो रही है इन दिनों, कभी वो मिलने जाते हैं नीतीश कुमार से, कभी नीतीश कुमार अनंत सिंह से मुलाकात करने जाते हैं। आपको पता होगा उन दिनों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से मैंने किया था, सारे प्रेस मीडिया को मैंने बुलाया था इसी में, और प्रेस उनको गलत ढंग से फंसाया गया था उन दिनों। तो सरकार उस समय कहती थी कि सही माने में वो AK-47 रखे थे, और आज कैसे साबित कर रहे हैं कि नहीं रखे थे? अब जो भी हो, साक्ष्य के अभाव में हो चाहे जिसका अभाव हो, हम लोग तो उसी दिन कह रहे थे कि ये गलत ढंग से उनको फंसाने का काम किया गया है, और जो कुछ हुआ है अनंत सिंह भी जानते हैं और माननीय नीतीश कुमार भी जानते हैं कि क्या इसमें घालमेल है। और सरकार अपराधियों को पैदा करती है, अपराधी ऐसे पैदा नहीं होते, सरकार अपराधी पैदा करते हैं, और सरकार अपराधी अगर पैदा नहीं करते तो आज इतना अपराध नहीं बन होता, और अपराधियों को मंत्री नहीं बनाते तो शायद इतना अपराध नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो तेजस्वी यादव एक और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी के साथ एक मीटिंग में डॉक्टर्स अनुपस्थित हुए, इसके बाद से लगातार बिहार की सियासत और अब बंगाल की बात करें दोनों गर्म है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।